कि रात है या सुबह हो गया। गुरु ने विचार किया, सुबह देंगे तो हम ही फल देंगे, अभी देंगे तो हम देंगे। झोली हाथ डाला, जो दो दाने जो के गंगा मैया ने दिए थे वो उस काचल को दे दिए और बोले, माई तू दोनों खा लेना, दो पुत्र तेरे जन्म लेंगे जिनका नाम अर्जुन और सर्जुन पड़ेगा। इतनी कह के आज काचल वहां से चल देती है। अरे हरी हर बोलो मेरे भाई, और करम लिखी मिट सके नहीं तुम लाज करो रात के 12 बजे गुरु वो दो दाने जो दोगे दे करके और वो भी वहां से रम जाते हैं। आज गुरु जी पूरी रात की मंजिल करते हैं और सुबह होते ही होते गुरु गोरखनाथ सिद्ध मुखी पर्वत पर पहुंच जाते हैं। गुरु गोरखनाथ ने अपना धोना वहां पर जमा दिया, प्रचंड किया और इधर जब सुबह हुआ तो मैया बात चलो गुरुदेव उसी नौलखा बाग में आई और देखने लगी कि बाग में तो कोई दिखाई नहीं देता, एक भी जोगी नजर नहीं आते। आज मैया बाछी ने विचार किया, हमें लगता है कि मेरी संत की जांच हो रही है, प्रभु हमारी जांच करते हैं, हमें देखो। हमारे गुरु ने बुलाया सुबह आना और सुबह आई तब तक वो यहां से चले गए, इसका मतलब उनके पास फल नहीं था। लेकिन गुरु हमारे चले क्यों गए, फल नहीं था कोई बात नहीं थी, कोई जरूरी नहीं थी। आज पता चला है संत भी झूठ बोलते हैं। वैसे गोस्वामी तुलसीदास ने तो ये लिखा है कि मोर वचन चय पड़ जाए भीखा, संत वचन पत्थर का लिखा। लेकिन हमें तो ये कैसे हम सच करें। आज मैया बात से प्रण करती है, मुझसे भी पतिव्रता नारी मत कहना जो तुम्हें हमने ढूंढ डाली। उसी दूना पर नौलखा बाग में मैया रुदन करती है, इतना रुदन करती है कि गुरु गोरखनाथ का दूना वहां पर बंद हो जाता है। आज गुरु गोरखनाथ का दूना बंद हुआ, उसी समय ध्यान धर के गोरखनाथ देखने लगे तो ओगड़नाथ को बुलाया, बेटा ओगड़नाथ तोड़ करके जाओ उस नौलखा बाग में उस मैया को मेरे पास में लेकर के आओ, नहीं तो अपनी वो जान को दे दे। ओगड़नाथ ने के भमने का रूप बनाया और दौड़ करके उसी
नौलखा बाग पहुंचे जहां पर धूना दा कराता उसे धूना बजा करके वो गिर गए। मैया बाछले वहीं पर रुदन कर रही थी, मैया बाछले भमरे को बाहर निकाला और काए भमरे तू अपनी जान इसमें क्यों दे रहा है। भमरा कहने लगा तो तुम यहाँ बाग में रुदन क्यों करते हो? हम तो रुदन इसलिए करती है कि मेरे गुरु मुझे धोखा दे करके चले गए। औगड़नाथ कहने लगे हे माई, किसी के गुरु अपने चेला को कभी धोखा नहीं देते, तुम्हें धोखा कैसे देंगे? चलो हम तुम्हारे गुरु से मिला देता हूं, तो कोई बात नहीं, नहीं रुदन रोएंगे। आज औगड़नाथ आगे आगे हैं और मैया बाछल पीछे। श्रोताओं सिद्धमुखी पर्वत पर पहुंचे ही औगड़नाथ ने जैसे देखा मैया को, मैया पास से पहुंची, मैया ने जैसे शीश झुकाया गुरु के चरणों में, गोरखनाथ गुस्सा बोले भाई एक बात बता, तू कितनी गठरी पत्थरों की बांधेगी, बोल अपने मुख से। मैया कहने लगी बाबा जी तुमने जो फल देने के लिए कहा था सुबह बुलाया था और सुबह में जब तक आई तब तक तुम चले आए, वो फल मुझे नहीं मिला। गोरखनाथ कहने लगे मैया पतिव्रता होकर के तुम झूठ बोलती हो, मैं रात्रि के 12 बजे तुम्हें फल देकर के आया हूँ। मैया कहने लगी बाबा जी मुझे फल नहीं मिला। गोरखनाथ कहते मैया मैं तुम्हारी इसी सिद्धों की पर्वत पर सत्य की जांच करता हूँ, अगर तुम सत्य हो तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, अगर झूठ बोलती हो झूठ बोलती हो तो जल करके राख हो जाओ। मैया कहने लगी बाबा मेरी सत्य की जांच कर लो। आज बाछल मैया एक पैर से दोनों कर जुड़ नेत्र को बंद किए प्रभु से ध्यान लगा जाती है माता बहनों। उसी समय गुरु गोरखनाथ ने अग्नि ज्योति ज्वाला को बनाया और कहा है अगर ये मैया सत्य है तो उसका कुछ नहीं करना, असत्य हो तो इसको जला करके राख कर देना। अग्नि ज्योति ज्वाला ने जब अपना असर दिया इतनी तेज से अग्नि की वर्षा की मैया के ऊपर, लेकिन मैया का कुछ नहीं बिगड़ा। बोलो सिद्ध गुरु गोरखनाथ महाराज की। आज गुरु गोरखनाथ कहने लगे मैया वास्तव में तुम्हें फल नहीं मिला, अफसर कोई छल करके ले गया, लेकिन मैया अब हमारे पास कोई फल भी नहीं। अब एक काम करो, अब तुम 24 साल 12 साल तपस्या मांग करी और 12 साल यहाँ करो, तुम्हें 24 साल की मेहनत करनी पड़ेगी। मैया कहने लगी कोई बात नहीं बाबा जी, तपस्या करने के लिए तो कहीं पीछे नहीं आई। गोरखनाथ बांध चल देते हैं फल लेने के लिए और इधर मैया अपने सिर के केशों से उसी धूना के आसपास झाड़ू लगाती है सुबह शाम, उसको न तो भोजन मिलता है और न पानी मिलता है। तो कुछ दिन तक तक वो जीवित रही, जब उसके शरीर में राजेश भैया कुछ नहीं रहा है तो आज मैया की प्राण पखेड़ू उड़ जाते हैं, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल गया। कहने का मतलब माता बहनों एक पुत्र के खातिर मैया ने अपनी जान भी गवा दी। श्रोताओं इधर बाबा गुरु गोरखनाथ कहां कहां जाते हैं ध्यान दें। अरे बासे गोरख आज चल दिले और पहुंचे ब्रह्माडी गाए बेटा, पहुंचे ब्रह्माडी गाए अरे बासे गोरख चल दिए कोई पहुंचे ब्रह्माडी
आज ब्रह्मा जी से कहने लगे, ब्रह्मा जी कोई फल हो तो मुझे दे दो, मैं एक रुपया से दरवाजा। ब्रह्मा जी बोले उस रुपया के लिए कोई फल नहीं है। आज गोरखनाथ पास से चले कहां, विष्णु भगवान वो भी बना कर देते हैं, और फिर कहां चले, अरे पास चले और पहुंचे भोला आए री भोलेनाथ, अरे कोई फल हो तो मुझे दे दो, एक मैया से दरवाजा हर गई। भोलेनाथ कहने लगे बेटा गोरखनाथ उस मैया के लिए कोई फल नहीं है, क्यों, उसे पूर्व जन्म का श्राप लगा हुआ है। गोरखनाथ उदास हो जाते हैं। आज भोलेनाथ कहने लगे बेटा गोरखनाथ एक काम कर ले, अग्नि ज्योति जो ज्वाला चल रही है नहीं चिराग, इसमें तू समा जा। हप नाम गूगल इसमें सो रहा है और